Hey guys, hope you're doing great today. So guys, I'm back with another video. But आज का जो video है वो होने वाला है एक makeup look tutorial. साथ ही साथ मैं जो भी product use करूँगी उन सभी का मैं एक review आपको देती चाहूँगी बहुत जल्दी जल्दी. तो चलिए अब बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. ये जो मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ ये दिवाली के लिए क्रिएट कर रही हूँ. आप इसे देखकर आप भी अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर, क्योंकि दिवाली पे थोड़ा सा ग्लैम लुक होता है. तो मैं थोड़ा सा ब्राइट और ग्लैम लुक क्रिएट करने की कोशिश करूँगी. तो चलिए बिना देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर अवेलेबल हूँ. तो अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, ताकि आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहें मेरे चैनल के बारे में और मेरे बारे में. अब चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो गाइस, सबसे पहले मैं लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल. इसके 15 मिनट पहले मैंने सीरम लगाया था अपने फेस के ऊपर, और अभी मैं लगा रही हूँ बायो ऑर्गेनिक का एलोवेरा जेल. ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं डेली लगाती हूँ एलोवेरा जेल. और ये क्या करता है ना, आपके स्किन पे जो भी थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं ना, अगर आप इसे प्रोलॉन्ग यूसेज में रखेंगे तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा लाइटन कर देता है. इसे अच्छे से मसाज करने के बाद अब मैं लगाऊंगी प्राइमर, क्योंकि प्राइमर का काम क्या होता है, ये जो छोटे मोटे पोर्स होते हैं सबके फेस पे रहता है उसको ये नलिफाई कर देता है, जिससे आपकी मेकअप जो है ना वो बिल्कुल प्लेन लगती है, ठीक है, और निखर के आती है. ये ब्लू हेवन का प्राइमर है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. फेस प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं आई शेडो बेस लगाऊंगी. ये मैं इनसाइड का आई शेडो बेस लगा रही हूँ. ये लगाने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपकी आँखों पर फाइन लाइन्स वगैरह हैं या क्रीजेज वगैरह हैं वो सारे नलिफाई हो जाते हैं और बिल्कुल स्मूथ फिनिश आती है आपके आई शेडो की. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन फिट मी का एक फाउंडेशन. फिट मी फाउंडेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं. मेबिलिन का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वही मैं यूज़ करती हूँ फिट मी रेंज का, और अभी मैं फाउंडेशन भी उसी का यूज़ कर रही हूँ. इसकी फिनिश काफ़ी अच्छी होती है. आपको बस ब्लेंड अच्छे से करना है फाउंडेशन को. नाउ आई एम यूजिंग द कंटोर, क्योंकि मैं इनसाइड का यूज़ कर रही हूँ. इससे मैं अपने फेस को कंटोर कर लूँगी, बिकॉज आई हैव गॉट अ चबी फेस. तो थोड़ा सा उसको शेप देने के लिए मैं कंटोरिंग ज़रूर करती हूँ अपने फेस के ऊपर. और पहले मैं लाइंस बना लूँगी कंटोर करने के लिए, फिर मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. ध्यान रखिएगा, आप जब भी कंटोरिंग करें उसे अच्छे से ब्लेंड करें, या तो फाउंडेशन लगाएं और कंटोरिंग भी करें. कोई भी अगर अपने फेस पे आप क्रीम लगा रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू ब्लेंड इट वेल, क्योंकि अगर आप नहीं ब्लेंड करेंगे तो वो केकी सा लगने लगता है और वो अलग सा ही फेस पे दिखने लग जाता है, ठीक है. तो जब भी आप इस तरह के मेकअप चीज़ें यूज़ करें तो प्लीज़ उसे अच्छे से ब्लेंड करें. इट टेक्स टाइम. यहाँ पे ये फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है तो आपको लगेगा कि बहुत जल्दी कर रही हो, बट ये बहुत मैंने टाइम दे करके इसे ब्लेंड किया है अपने फेस के ऊपर. गाइज, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उन सभी का रिव्यू ऑलरेडी मैंने चैनल के ऊपर किया हुआ है. ये सारे प्रोडक्ट्स सुपर अफोर्डेबल हैं और रिव्यू आप जाके देख सकते हैं. सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है कंपनी वाइज, तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. तो अभी मैंने इसे प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया है अपने फाउंडेशन को और कंटोरक को भी, और अब मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज करेक्टर, क्योंकि स्लाइटली यू नो अंडर आइज थोड़ी सी ब्लैकिश टेंट आ गई है मेरे इधर, तो मैं उसे छुपाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑरेंज कंसीलर, जो कि डार्क सर्कल को कम करने के लिए, मतलब कम दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ऑरेंज कंसीलर. इस एक पैक में ही आपको डिफरेंट कलर के कंसीलर्स मिल जाते हैं, जिससे आप कंटोरिंग भी कर सकते हैं, कंसीलिंग भी कर सकते हैं, और आपका सारा जो सोल्यूशन है, जितनी भी फेस पे प्रॉब्लम होते हैं उन सभी का सोल्यूशन इस सिंगल बॉक्स में है. इन सभी प्रोडक्ट सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से. सारे का लिंक जो है कि इनके रिस्पेक्टिव वीडियोस में रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं जाकर के. और मैं इसे लगा करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि वो ऑरेंज अलग सा कुछ दिखाई ना दे. अभी देखिए मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने आँखों पर. अब मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा सा फाउंडेशन और लेकर के अपने फेस पे लगाऊंगी और उसे वापस से ब्लेंड कर लूँगी. जो थोड़े बहुत अनइवन चीज़ें लग रहे हैं वो प्रॉपरली इससे इवन लगने लग जाएंगे. और अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्राउ पाउडर यहाँ यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का, जो मेरा करंट फेवरेट है. मैं ज़्यादातर मेकअप में इसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इसकी जो फिनिश होती है ना वो काफ़ी अच्छी होती है और बिल्कुल नेचुरल लुक देता है आपके आईब्राउज़ को. तो अभी मैं ब्राउ पाउडर यूज़ कर रही हूँ और मैं इसे इवनली, मैं कुछ अलग से लाइन ड्रॉ नहीं करती ब्राउ पाउडर यूज़ करने के टाइम पे. मैं उसे अपने नेचुरल जो मेरे ब्राउज़ हैं
उन्हीं के ऊपर से चलाती हूँ सेपरेटली, क्योंकि अगर आप करने लगेंगे तो फिर वो आर्टिफिशियल लुक आ जाता है। इसका भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ब्रांड वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने ब्राउज को पहले सेट कर लूँगी प्रॉपरली, और अब इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबेलिन फिट मी का कॉम्पैक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये कॉम्पैक्ट मेरा करंट फेवरेट चल रहा है। ये आपके फाउंडेशन, कंटोरिंग, जो भी आपने फेस पे की हुई है उसको ये प्रॉपर्ली सेट कर देता है। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा प्रोफेशनल आई शेडो लगाऊंगी। इसका रिव्यू मैंने रिसेंटली किया है, रिसेंटली मैंने इसे परचेज भी किया है। तो आज मैं लगाऊंगी एक शेडेड आई शेडो। मैं डार्कर शेड्स लगा रही हूँ टुवर्ड्स द आउटर कॉर्नर, और इनर कॉर्नर की तरफ मैं एक लाइट शेड लगाऊंगी, जिससे कि थोड़ा सा ग्लैमरस लुक आ जाएगा, एक सटल ग्लैमरस लुक। ऑफकोर्स वो बहुत ही सिंपल ग्लैमरस लुक आने वाला है। अभी फिर मैं उसे ब्लेंड करूँगी, और ब्लेंड करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपनी उंगली का इस्तेमाल किया है, बिकॉज आई शेडो में मैं थोड़ी सी अपनी उंगलियों से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। सिर्फ ब्लेंड करने के लिए मैं ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, बट लगाने के टाइम पे आई प्रेफर यूजिंग माई फिंगर्स। और थोड़ा सा मैंने ग्लिटर्स यहाँ पर लगाया है अपनी आँखों के ऊपर, जिससे थोड़ा सा ग्लैम लुक आ जाए। और इसके बाद मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, काजल मैं एली 18 का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं लगाऊंगी और फिर हल्के से इसे नीचे से ब्लेंड कर दूंगी यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश। तो थोड़ा सा मैं आई शेडो का ही ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और उसे मैं नीचे से हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी। इससे आपकी जो आँखें हैं वो उभर के आती हैं जब आप नीचे से ब्लेंड कर देते हैं। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू एवन का आई लाइनर। गाइस जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो भी प्रोडक्ट मैं आज यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ अ सुपर सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट, तो आप कम पैसों में ही अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं लाइनर लगा रही हूँ, थोड़ा सा थिक लाइनर लगाऊंगी, और उसके बाद मैं लगाऊंगी मस्कारा। ये मस्कारा वेट एंड वाइल्ड का है, ये सारे का रिव्यू किया हुआ है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट के थ्रू। ये मस्कारा मेरा फेवरेट मस्कारा है, मेरे पास मेबेलिन का भी है तो ये, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फेक आई लैशेस। मैंने जो एक्स्ट्रा था आई शेडो उसे रिमूव कर लिया है यूजिंग दी कॉम्पैक्ट, क्योंकि मैंने कॉम्पैक्ट पहले इसीलिए लगाया था ताकि जो भी एक्स्ट्रा आई शेडो हो वो मैं उसे ब्रश ऑफ कर दूँ यूजिंग माई कॉम्पैक्ट, क्योंकि अगर वो ऑयली स्किन पे लगेगा ना तो वो निकलता नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैंने ड्राई कर लिया था उसे पहले ही। अब मैं थोड़ा सा ब्लश ऑन लगाऊंगी, मैं ब्लू हेवन का यहाँ पे ब्लश ऑन यूज़ कर रही हूँ, और ये है हाइलाइटर जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रीमी टेक्सचर है एंड ये बहुत अच्छा लुक देता है आपके मेकअप को। हाइलाइटर्स हैव ऑलवेज बीन माय फेवरेट, तो ये है। और ये है एनवाई बे का लिपस्टिक जो मैंने रिसेंटली रिव्यू किया है चैनल के ऊपर। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कलर है, इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि ये ट्रांसफरेबल है, तो अगर आप इसे थोड़े से ट्रिक्स के साथ लगाएंगे ना तो ट्रांसफर भी नहीं करेगा, बट जो कलर इसकी है आई जस्ट लव इट। नाउ ये है मेरा फाइनल लुक। यहाँ पे मैंने जो ज्वेलरी पहनी है ये जावरी पर्ल्स की ज्वेलरी है, और मैंने एक छोटी सी बिंदी लगाई है, दैट्स इट। और यही लुक मैं दिवाली के दिन भी करने वाली हूँ, दिस इज़ अ वेरी सटल सिंपल लुक। एंड ये मैंने बालों को, जिनको भी जुड़ा बनाने का मन होता है या बन बनाने का मन होता है उनके लिए है ये लुक, कि आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। ज्वेलरीज ऑफकोर्स जावरी पर्ल्स की बहुत 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 प्यारी आती है वेर इट कम्स टू एथनिक ज्वेलरी, बहुत अच्छी इनकी इनके पीसेज होते हैं एंड हर कलर्स में अवेलेबल हैं, तो अगर आप मैचिंग पहनना चाह रहे हैं तो आपको हर कलर में मिल जाता है, या अगर आप गोल्डन या सिल्वर कलर में चाह रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी है, तो दे हैव गॉट वेराइटी ऑफ यू नो ज्वेलरी पीसेज। सो गाइज आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको ये लुक अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ कल किसी नए वीडियो के साथ। ऑफकोर्स छठ पूजा भी आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो यू विल गेट टू सी सम रियल गुड ब्लॉग्स ऑल्सो, और साथ ही साथ रिव्यूज़ भी आते रहेंगे। तो गाइज बने रहेगा चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग 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 थम्स अप, एंड इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट अपलोड्स ऑन माई चैनल। अंटिल देन स्टे सेफ, होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।